और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मैं नहा ली हूँ, अभी जूड़ा बना के आ गई हूँ क्योंकि बाल ना बहुत निकलते हैं। और मैं बना रही हूँ चाय, अभी पहली चाय है। तो यहाँ ना चाय हमारी बन चुकी थी और मैं ना यहाँ पे पूड़ी बना रही हूँ। पूड़ी है ये अजवाइन नमक और मोयन डाल के मैं बना रही हूँ यहाँ पे पूड़ी। ये मैं रिफाइंड ऑयल डाली हूँ मोयन में और इसको ना मैं छोटे छोटे लोई काट लूँगी, उसके बाद से फिर मैं इसका पूड़ी बनाऊँगी। तेल हमारा अभी गर्म हो रहा है, गर्म नहीं हुआ है तो तब तक मैं यहाँ पे लोई काट के और रख लूँगी, तेल भी हमारा गर्म हो जाएगा। और ये पूड़ी ना काफ़ी अच्छी लगती है चाय के साथ। मैं ज़्यादा नहीं बनाई थी, थोड़ी ही बनाई थी बच्चों के लिए और अपने लिए, सुबह मतलब सुबह खाने के लिए चाय के साथ मैं यही बना ली थी। और सारी पूड़ियाँ ना फूली फूली बनी थी, काफ़ी अच्छी खस्ता करारी बनी हुई थी और चाय के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पे हमारी चाय भी बन चुकी है, सुबह की पहली चाय थी हमारी। और ये देखिए पूड़ियाँ बहुत अच्छी फूली फूली सी बनी हुई थी और चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है। अजवाइन डाल के बनाओ तो इसमें काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर ना मैं अन्नू का जो है कि कंघी कर रही हूँ, चुटिया बना रही हूँ। और आप लोग ना मेरे सर पे चश्मा देख रहे होगे तो चश्मा लग गया है लेकिन ज़्यादा पावर का ये आप नहीं लोगों है। ने स्टैंड देखा होगा, पहले ये स्टैंड ना मंदिर की जगह पे ही था लेकिन मैं उसको इधर कर दी थी, तो उसको आप लेके जाना है वहाँ पे और वहाँ उसको यहाँ पे लेके आना है। और यहाँ पे बच्चे मेरे जा चुके थे ट्यूशन और मैं कर रही थी यहाँ पे सफाई। इसी रूम में पूजा करते हैं ना, तो जो अगरबत्ती धूप बत्ती जलाते हैं कपूर वगैरह, तो इसका धुआं जो है कि जाके ऊपर बैठ जाता है, तो वही फिर मैं यहाँ पे ना अच्छे से साफ़ करके और ये जो है स्टैंड यहाँ पे लगाना है मुझे। ये स्टैंड पहले दूसरी तरफ था, अभी मैं इसको यहाँ पर लगा दूँगी स्टैंड को। तो गैस मेरा ना काम हो चुका है और मेरे बच्चे जा चुके हैं ट्यूशन। और पता है जिस दिन ना मैं जैसे बेड के नीचे साफ़ करती हूँ उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत, क्योंकि दीवार में से ना क्या है पपड़ी निकलती है, रेत निकलता है, अंदर का ना रूम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत। आप लोग देखे होंगे वीडियो में कि पूरा मतलब ख़राब हो गया अंदर का रूम। सीलन सी सर्दियों में क्या सीलन बहुत आ रहा था, अभी तो थोड़ी सी गर्मी आ गई है तो अब थोड़ा कम है लेकिन पपड़ी बहुत निकलता है, पूरा दीवार खराब हो गया। इस रूम में तो हमने वॉलपेपर लगवा दिया है, इसमें तो खैर वैसे भी नहीं था इतना लेकिन वॉलपेपर लगवा दिए हैं ना तो थोड़ा सा ये अब अच्छा लगता है। तो अंदर वाले रूम में तो वॉलपेपर नहीं चलेगा क्योंकि उसमें सीलन बहुत है, वरना उसमें भी लगवा देते। और कलर भी हमने करवाया था लेकिन फिर भी ना वो चलता नहीं है, एक दो महीने बाद वो निकलने लगता है कलर, तो अच्छा नहीं लगता है। फिर अब देखते हैं कि उसका क्या होगा। अभी तो सारा काम कर ली हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन, बहुत टाइम लग गया। अभी नेट बज रहे हैं 3:30 और बच्चे तो ट्यूशन चले गए हैं, बच्चे हैं नहीं, 2:30 बज जाते हैं। और अब मैं जा रही हूँ ना साड़ी में फॉल लगाने। ये साड़ी ये ना दीदी की साड़ी है, मेरी नहीं है, और जो बहुत ही प्यारी साड़ी है, मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ना ये कि क्या बताऊँ। पूरा ये ऐसे ही है और आँचल भी इसका बहुत प्यारा है, दिखाती हूँ मैं, आँचल है ये, बहुत प्यारी साड़ी है ये, बहुत ही हल्का है बिल्कुल। और पार्टी वियर है, शादी वगैरह में पहन लो, मतलब कहीं भी पहन के जा सकते हैं, बिल्कुल हल्की है और खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। हाँ तो इसमें फॉल लगाना है, दी थी ना उनको, जैसे वही लगाती तो मैं गई थी उनके यहाँ, तो मैंने कहा लाओ मैं ही लगा दूँ, मतलब उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, मतलब उतना अच्छे से साफ से नहीं दिखता, लगा तो लेती हैं लेकिन उनकी तबीयत ना ठीक नहीं रहती है, तो मैं सोची लाओ मैं लगा दूंगी। तो 3 साड़ी था तो 2 में तो मैं लगा के रख दी हूँ और एक ये बचा है, काफ़ी दिन हो गया लेके आए हुए तो मैं सोची अब लगा दूँ। उनको जाना है शादी में, क्या बोलते हैं, अप्रैल में शादी है तो अभी तो टाइम है, तो मैं भी आराम आराम से लगा रही हूँ। बहुत अच्छी लग रही थी ये साड़ी, बहुत अच्छी लग रही थी। और पता है गर्मी इतनी ज़्यादा लगने लगी है ना, अंदर की सफाई कर रही थी ना मैं दीवार वाल पे का, तो पंखा भी नहीं चला सकते वरना वो पूरा ना ये जो क्या बोलते हैं उसमें से बारीक बारीक सा निकलता है बुरादा टाइप का दीवार में से रेत, तो वो पूरे घर में फैल जाता है पूरे में, तो इसलिए पंखा भी नहीं चलाते। तो अभी मैं पोछा लगाई हूँ तो अभी पंखा चला के छोड़ दी हूँ, सूखता रहेगा।
थक जाते हैं। आज ज़्यादा काम था मुझे, सुबह नाश्ता वगैरह बना के ना मैं मतलब हम लोग खा लिए थे, उसके बाद से फिर मैं लग गई काम में, तब से लगी पड़ी हूँ। अभी जाके फुर्सत मिला है मेरे को 3:30 बजे। तो गाइस आप लोग ना मेरी वीडियो को पूरा देखा कीजिए तो ही समझ में आता है, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर ना मेरे पता नहीं क्यों नहीं बढ़ते हैं और व्यूवर्स भी नहीं आते हैं, कोई आता ही नहीं है। मैं बहुत मेहनत करती हूँ उसके बाद भी पता नहीं क्यों कोई नहीं आता है। तो आप लोग मेरी भी वीडियो देखिए और शेयर कीजिए, और पूरा वीडियो देखिए तो आप लोगों को समझ में आएगा। किसी का भी है आप लोग जैसे पूरा देखते रहोगे ना तो ही अच्छा मतलब समझ में आता है, वरना नहीं आता है। तो चलिए फ्रेंड मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ना ये रेसिपी पसंद आई होगी। पूरी अजवाइन की मोहन डाल के बनाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। मैं काफ़ी दिन पे बनाई थी और बच्चे ना खा लेते हैं भरपेट, चाय के साथ खाते हैं वो लोग, ऐसे नहीं खाते हैं, चाय में बना देती हूँ ना तो उसके साथ खाते हैं, और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। उसमें मोहन डाल दो, जैसे रिफाइंड डाल दो या घी डाल दो, कुछ भी डाल सकते हैं आप अपनी पसंद का, और अजवाइन खूब सारा उसमें डाल दो, नमक डाल दो, उसके बाद से उसका पूरी बनाओ ना तो बहुत अच्छा मतलब खस्ता बनता है, बिल्कुल बढ़िया सा अच्छा लगता है चाय के साथ, बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा नहीं बनाती हूँ, बाई चांस कभी बना दी तो बनाती, वरना नहीं, क्योंकि सुबह ना मैं पूरा खाना ही बना देती हूँ, क्योंकि ये रहते हैं नहीं, टिफ़न भी देना होता है, तो इसलिए फिर बार बार मैं दोपहर को खाना नहीं बनाती हूँ, सुबह एक बार बना लिया बस वही हो गया। अभी तो स्कूल अब खुल जाएंगे बच्चों के तो अब तो और नहीं, अब सुबह बस बना लिया हो गया, दिन में नहीं बनाती हूँ मैं, हमारे यहाँ मतलब दोपहर को खाना नहीं बनता है, सुबह को बनता है और शाम को बनता है, बस वही हम लोग खाते हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को मेरे लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।